अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, रामलला उस मंदिर पर विराजमान हो, असंख्य हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा और स्वाभिमान स्थापित हो, इस नाते 24 अक्टूबर अयोध्या दर्शन और सभा और 5 लाख लोग वहां पर लखनऊ से अयोध्या कूच करेंगे, पैदल मार्च करते हुए 2 दिन में पहुंचेंगे, वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। इसका उद्देश्य सरकार ने जो अपना वादा किया था कि भव्य राम मंदिर संसद में कानून लाकर बनाएंगे, वादा खिलाफी की है। इस सरकार को चुनौती देते हुए कहा है सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में कानून लाए, और यदि सरकार संसद में कानून नहीं लाती है तो आने वाले समय में हिंदू ही आगे का नारा देकर सरकार को चुनौती दी जाएगी। राम मंदिर और हिंदू मांग पत्र, जो हमने हिंदू मांग पत्र दिया है, जो 30 करोड़ हस्ताक्षर होकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, उस आधार पर सरकार यदि नहीं चेती और हिंदू मांग पत्र और रामलला का भव्य मंदिर संसद में कानून लाकर नहीं बनाया तो आने वाले समय में विकल्प दिया जाएगा, जिसकी रणनीति केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा, और आगे की रणनीति 24 अक्टूबर को अयोध्या में प्रवीण भाई तोगड़िया मंच के माध्यम से सार्वजनिक करेंगे।